हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज मैं आपको बताऊंगा डुफालैक सिरप के बारे में। डुफालैक सिरप या फिर लूज सिरप, जिनका कंटेंट है लैक्टुलोज। डुफालैक का यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन में और दूसरा कि जहां पर कुछ पेट का कोई सर्जरी हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, जहां पर कॉन्स्टिपेशन होना नहीं चाहिए या फिर टॉयलेट के टाइम ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे केस में डुफालैक का यूज़ किया जाता है। एनल फिशर के केस में डुफालैक का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूल्स लूज होते हैं और एनल म्यूकोजा टियर होने से बच जाता है। पाइल्स के केस में हार्ड स्टूल होने की वजह से पाइल्स में दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है, तो इससे बचने के लिए डुफालैक का सिरप का यूज़ किया जाता है। डुफालैक सिरप में लैक्टुलोज कंटेंट होता है। डुफालैक या फिर लूज सिरप, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसमें जो लैक्टुलोज नाम का शुगर है, वो शुगर बॉडी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता। वो शुगर इंटेस्टाइन में जब हम लैक्टुलोज सिरप लेते हैं तो वो सिरप इंटेस्टाइन में जाकर इंटेस्टाइन में बॉडी का फ्लूइड खींच लेता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में फ्लूइड का क्वांटिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टूल नॉर्मल होता है और हार्ड होने से बच जाता है। तो जब भी हम लैक्टुलोज का यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रॉपर हाइड्रेशन लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और लैक्टुलोज का साइड इफ़ेक्ट क्या है? अगर लैक्टुलोज ज़्यादा दिनों, कुछ महीनों तक के अगर लिया तो उसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। मीन्स पेशेंट को उसका इंक्रीजिंग डोज लेना पड़ता है। मीन्स जो डोज, अगर 15 ml डोज लेने के बाद में उसे स्टूल सॉफ्ट हो रहे थे, उसे अब कुछ महीनों के बाद 20 ml 25 ml तक के उसका डोज लेना पड़ेगा उतना ही इफेक्ट आने के लिए। लैक्टुलोज बच्चों में भी यूज़ होता है, बड़ों में भी यूज़ होता है, लेकिन और प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ में कोई भी मेडिसिन यूज़ करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। तो डोज कितना लेना चाहिए? अडल्ट डोज 20 ml, 15 से 20 ml का स्टार्टिंग डोज रात में सोते वक्त एक गिलास पानी के साथ लेना चाहिए, जिसकी वजह से सेकंड डे स्टूल सॉफ्ट होते हैं और पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। तो ये था वीडियो आज लैक्टुलोज पर। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए।